मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ, ऐसा पानी भरा हुआ है गलियों में, साइड में, प्लॉटों में, कि जो जोक होती है ना, जो भैंसों को चिपटती है, वो जोक भी हो रही है। घर में अगर किसी ने क्या 1 करोड़ रुपया लगा रखा अपने मकान में, अब आप ये बताओ, जिसका प्योत 1 रुपये का भी नहीं आगा, क्योंकि सारी कमाई तो अपने घर में लगा दी, अब वो कहाँ जाकर रहे। और ये जाट है दोनों, पार्षद भी, MLA भी, और ऐसे भी शर्म नहीं आती कि तेरी भाण, तेरी बेटी, तेरी, उनकी कुछ लागती होगी। मतलब ये अगर आगे से आता ये आग पर पड़ते की रिवाज है, हम पर्दा निकालेंगे तो हम गली में पड़ जाएंगे। देखिए, साफ कहना है कि अगर आप इस गांव के बेटे हैं तो बहन बेटियां यहां पर हैं, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए, और उनको अगर दिक्कत तकलीफ है तो वो सामने आना चाहिए। अगर पर्दा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे कि उनकी बहू ऐसे जा रही है, पर्दा नहीं करते हैं, अब हम पर्दा कहां से करें? उसको इतनी भी शर्म नहीं कि ये बाण बेटी कैसे निकल रही है? ऐसी औरत गांव की पहली बार हुई है, कभी नहीं हुई। हम सब बहुत परेशान है, हर एक व्यक्ति परेशान है इस गांव से, इस MLA से, पार्षद से, बहुत बुरा हाल है। अब डेड बॉडी को भी ले जाने के लिए रास्ता नहीं है, इसे शर्म की और क्या बात होगी इस गांव के लिए? अगर अब की बार आ गए ना तो ईंटों से सर फोड़ेंगे। देखिए कितना रोष है लोगों में, और साफ कहना है कि जब आप दावे करते हैं दिल्ली के विकास के, और दिल्ली का एक क्षेत्र जहाँ का MLA है, वहाँ डेड बॉडी आप ले जा नहीं सकते, क्योंकि पानी इतना है, गड्ढे इतने, आप ट्रैक्टर में डेड बॉडी लेके जाते हैं, और डेड बॉडी के साथ साथ जो लोग ले जा रहे हैं वो भी चोटिल हो जाते हैं। कम 10-12 आदमी का चोट लगी है, 10-12 आदमी का चोट लगी है जी, कल की बात है, ये कल की बात है। इतना इतना पानी भरा हुआ है, हमारे आदमी गुजर जाते हैं, उनको भी हम दाग नहीं दे सकते ले जाके, तो हमारी कितनी गंदी समस्या हो रही है ये बताओ ना आप। ये देखिए, ये दिल्ली का विकास, आप समझिए कि किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी जो अंतिम क्रिया है वो आप प्रॉपरली नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर इतना ज्यादा विकास के नाम पर घोषणा किया गया है कि जनता सिर्फ और सिर्फ परेशान नजर आती है। और आप देखिए कि लगातार यहाँ पर लोग जुड़ते जा रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपको दिखा पाए किस तरह से लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और ये खाट आप देख पा रहे हैं, उसी गांव की खाट है जिस गांव के MLA साहब हैं, लेकिन नहीं है यहाँ पर, बिकॉज उन्हें शायद इन महिलाओं का दर्द नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ पुरुष भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश। क्या नाम है आपका भाई? मैं याडेगा बोले, मेरा नाम नवीन है। नवीन जी, क्या कर रहे हैं आप भाई? जाम में फंस रहे हैं। जाम में फंस रहे हैं? जाम क्यों लगाया गया भाई? यहाँ ये तो पानी इतना गंदा हो रहा है, यहाँ आना मुश्किल है जी। ठीक है, सारे का पानी भरा पड़ा है यहाँ। नवीन, यहाँ से अक्सर निकलते हैं भाई, डेली निकल रहे हैं। तो पानी कब से देख रहे हैं यहाँ? तो कई महीने हो गए। कई महीने हो गए? कई महीने से पानी है जी। आप समझिए, आप अगर